नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हिंदुस्तान की पुलिस के रैंक के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके सामने जो रैंक का अधिकारी है वो किस लेवल का है, या किस रैंक के ऊपर या किस ऑफिस का वह है। पुलिस विभाग में जो सबसे नीचे की रैंक आती है वो पुलिस कांस्टेबल की आती है, और इसकी वृद्धि पर कोई बेंचमार्क नहीं होता है, ये सादी वृद्धि में होता है, और ये पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे नीचे की रैंक मानी जाती है। कांस्टेबल के बाद आते हैं दूसरे नंबर पे सीनियर पुलिस कांस्टेबल, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल कहा जाता है। इसकी वृद्धि पर चौड़ी पट्टी पर लाल रंग की दो पट्टी लगी होती है, तो आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके सामने सीनियर पुलिस कांस्टेबल है या कांस्टेबल है, पट्टी देख के आपको अनुमान हो जाएगा इससे। तीसरे नंबर पे आता है हेड कांस्टेबल, इसीलिए इसकी वृद्धि पर काले रंग की पट्टी और पीले रंग की तीन पट्टी लगी होती है, या फिर लाल रंग की तीन पट्टी लगी होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में यदि केवल तीन लाल रंग की पट्टी लगी है तो आप आसानी से समझिएगा कि यह हेड कांस्टेबल है। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यह हेड कांस्टेबल की ऊपर की रैंक होती है, जिसने हिंदी में आप सहायक उप निरीक्षक कहते हैं। ASI की वृद्धि पर एक पट्टी लगी होती है, जिस पर एक लाल और एक नीली पट्टी के साथ कंधे पर एक स्टार लगा हुआ होता है। ASI के बाद आती है रैंक सब इंस्पेक्टर की, और ये पांचवी रैंक है, और ASI की वृद्धि पर एक पट्टी लगी होती है, जिस पर एक लाल और एक नीली पट्टी होती है, लेकिन एक स्टार की जगह आपको दो स्टार नजर आएंगे, तो आप समझ लेना कि यह सब इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है। पुलिस विभाग की छठवीं जो रैंक है वो है API, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। इसकी वृद्धि पर तीन स्टार लगे होते हैं और साथ ही लाल रंग की पट्टी लगी हुई होती है, तो आप समझिएगा कि जिस पे तीन स्टार हैं और एक लाल रंग की पट्टी है तो वो है API, यानी कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। नेक्स्ट के बाद आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो होता है वो थाने का इंचार्ज होता है, और साथ ही यह थाने में सबसे ऊंचे पद पर होता है, जिसे SHO भी कहा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर 3 से 4 थानों में कवर करता है, और इंस्पेक्टर की वर्दी पर आपको एक लाल एक नीली पट्टी के साथ तीन स्टार आपको मिलेंगे। इंस्पेक्टर के बाद आपकी जो रैंक आती है वो DSP की रैंक आती है, जिसे हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं, और साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाने जाते हैं। DSP की वृद्धि पर लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती है, केवल तीन स्टार होते हैं। केवल तीन स्टार हो तो आप समझिएगा कि ये DSP लेवल का अधिकारी है। और इसके बाद DSP के बाद आती है ASP, ये हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं, या साथ ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि ASP और DCP का पद होता है। इनकी वृद्धि पर केवल एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये ASP लेवल का अधिकारी है। ASP के बाद जो रैंक आती है वो आती है SP की। SP का पद ASP से ऊंचा होता है, जिसे आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, जो छोटे शहरों में जिले का मुखिया होता है। SP की वृद्धि पर अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगा हुआ होता है, तो आप आसानी से जान पाएंगे कि एक स्टार एक अशोक स्तंभ है, तो आपका SP लेवल इसको कहते हैं। इसके बाद जो रैंक आती है वो आती है SSP, यानी कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। SP के बाद अगला ऊंचा पद SSP का होता है, जिसे DCP कहते हैं, और हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। यह बड़े शहरों में जिले का मुखिया होता है, और इसकी वृद्धि पर अशोक स्तंभ के साथ दो स्टार लगे हुए होते हैं, तो इसमें दो स्टार और एक अशोक स्तंभ है, तो आप समझिएगा कि SSP लेवल का अधिकारी है। इसके बाद आता है DIG, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन्हें हिंदी में पुलिस उप महानिरीक्षक
कहते हैं, जिसे डीआईजी या एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कह सकते हैं। डीआईजी की वृद्धि पर अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे हुए होते हैं और साथ आईपीएस लिखा हुआ होता है। जब कभी भी आपको फ्यूचर में कहीं आईपीएस और 3 स्टार और 1 स्तंभ लगा हुआ अधिकारी मिलता है, तो आप समझना कि डीआईजी लेवल का वो अधिकारी है। डीआईजी से अगला पद होता है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में आप पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं और साथ ही जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इनकी वृद्धि पर 1 स्टार और 1 तलवार के साथ आईपीएस लिखा हुआ होता है। तो आप आसानी से जान पाएंगे 1 स्टार आईपीएस और 1 तलवार का निशान है, तो आप जेसीपी लेवल के अधिकारी हैं, जॉइंट पुलिस कमिश्नर। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अगला ऊंचा पद होता है, जो डीजीपी के सामने होते हैं और साथ ही आईपीएस अधिकारी होते हैं। इनकी वृद्धि पर डीजीपी की तरह अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा हुआ होता है। इसके बाद जो रैंक आती है वो डीजीपी की आती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे अपन कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी कह सकते हैं और शॉर्ट में सीपी के नाम से भी जानते हैं। डीजीपी की वृद्धि पर अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा हुआ होता है। तो चलो दोस्तों, ये मुख्य रूप से अपने हिंदुस्तान की जितने भी पुलिस रैंक के अधिकारी होते हैं उनकी ये शॉर्ट में डिटेल्स थी। तो आप आई होप इनको देख इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके सामने कौन से रैंक का अधिकारी है और किस लेवल पे और किस पद पे है वो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से जान पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।